सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, जितने भी प्रवास के फैन हैं, जितने भी सलार मूवी के फैन हैं, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी एक बैड न्यूज सामने आ रही है। यहाँ पर दोस्तों कल एक ट्विटर पर पेज है, बहुत बड़ा पेज है, मनोवाला विजय वालन पेज, जिसे आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उन दोस्तों मनोवाला विजय वाला पेज ने अपडेट दिया है कि जो सलार मूवी है उसका 2023 में आने का कोई भी प्लान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कसाई लगाए जा रहे थे कि ये नवंबर में आ सकती है, 2 नवंबर को या 10 नवंबर को टाइगर 3 के साथ, या दोस्तों दिसंबर में आ सकती है, अक्टूबर में आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे अब दोस्तों यहाँ पर प्रशांत नील जो डायरेक्टर है सलार मूवी को लेकर, उनका प्लान है कि अब वो अपनी मूवी को 2024 में रिलीज करेंगे। अब दोस्तों 2024 में भी उनकी मूवी का जो रिलीज होना है वो अभी तक डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि जनवरी में दोस्तों प्रोजेक्ट के यानी कि कल की मूवी है, उसके बाद फाइटर मूवी है, उसके बाद दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज और है, जैसे कि लाइक दोस्तों देवेरा मूवी आनी है अप्रैल के महीने में, और वहीं पर दोस्तों गोलमाल की सीरीज आनी है, उसके बाद हाउसफुल की सीरीज आनी है, और पुष्पा 2 मूवी भी आनी है। तो ऐसे में कुछ भी संभव नहीं है कि हमें कब तक सलार मूवी देखने को मिल सकती है। पर यहां पर एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि हमें 2023 में यानी कि इस साल सलार मूवी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब क्या हुआ, जो दोस्तों प्रशांत नील ने 1 जनवरी को जो पोस्टर डाला था कि 2023 साल नहीं सलार है, अब उसका क्या हुआ, उस पोस्टर की क्या वैल्यू रही, इसलिए दोस्तों अब हमें इंतजार करना होगा 2024 तक, और हमारा वेट अभी ओवर नहीं होगा। अब आप बताइए कि आप कितने नाराज हो चुके हैं कि अब हमें 2023 में सलार देखने ही नहीं मिलेगी। अपने रिएक्शन को हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर।